महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतीला अभिवादन। दीप प्रज्वलन अपना सर्वान विनंती रहा की प्रचंड टाळ्यांचा आपण कडकडाट करूया आणि आनंद व्यक्त करूया। नगरसेवक श्री अरविंद जी भोसले यांच्या शुभस्ते दीप प्रज्वलन। परमेश्वर चरणी प्रार्थना, अंधारातून आम्हाला प्रकाशाकडे ने आणि भरपूर भरपूर आशीर्वाद आम्हा सर्वांवरती राहो। इतिहासकार श्री हरि नरके साहेब आम्हा सगळ्यांची श्रद्धास्थान। Just look here भाई फोटो जरा सही बैठो जरा पीछे जाओ थोड़ा। हम लोग सबको मैम यहाँ पे बैठिए मैम यहाँ पे महात्मा चित्रपटाचे हमारे आदरणीय मेयर श्रीमती किशोरीताई पेडणेकर जी ने बहुत सारा आशीर्वाद। मुंबईच्या महापौर किशोरीताई पेडणेकर, नगरसेवक अरविंद जी भोसले, समाजसेवक बाळा खोपडे जी आणि इतिहासकार आदरणीय श्री हरि नरके जी आणि चित्रपटाचे प्रोड्युसर श्री कौशिक रेड्डी। मुक्त महिला दिन हा खरा आज आहे आणि त्या मुक्त महिला दिनाच्या औचित्य साधून आज आपलं अनावरण होत आहे। त्या अनावरणासाठी आणि संपूर्ण ते पिक्चर त्याचा इतिहास ज्यांनी जिवंत ठेवलाय असे आमच्या पुण्याचे आमचे बंधू हरि नरके साहेब, आमचा कौशिक जो आम्हाला अगदी मुलासारखा आहे आणि तो प्रोड्युसर आहे हौशी एकदम असा कौशिक जो ऐश्वर्या मॅडम आमचा सुनबाई शो आमचा अरविंद आमचे बाळास खोपडे सावंत साहेब आणि कबड्डीच्या ह्याच्यात नियमित वक्ते राणा प्रताप तिवारी। खरं म्हणजे महात्माची भूमिका जो करतोय तो मला अगदी मुलासारखा आहे असा आमचा ध्रुव आणि कौशिक आणि ध्रुव यांची जोडी ही अतिशय पुढे जाणारी आहे आणि खऱ्या अर्थाने या सिनेसृष्टीमध्ये हे दोन अढळ स्थान बनणारी लोक मुलं आहेत ही आमची आणि ते आमच्या विभागात आहे आम्हाला अभिमान। बंधू गावडेने हळूच होणार नाही तो बघा येतोय। अभिजितने हे सगळी व्यवस्था केली आहे। आमचे आमदार सन्माननीय सुनील शिंदे थोड्याच वेळात येतील परंतु मलाही थोडं विभागाची मीटिंग असल्यामुळे मी जाणार आहे परंतु पुन्हा येणार कारण हा क्षण वरळीमध्ये सादर होतोय जांभोळी मैदानावर होतोय ह्याच्यासारखं भाग्य आमचं काय। मुंबईचा प्रथम नागरिक जरी असले तरी त्या विभागात काम करत असताना ध्रुवाच्या वडिलांशी आमचे कायमचे ऋणानुबंध असं एखादा मोठा भाऊ आणि छोटी बहीण असे ऋणानुबंध आहे आणि म्हणून या कार्यक्रमाला स्वतः येऊन पाहणं हा जो आनंद आम्हाला ध्रुवने दिलाय त्याबद्दल त्याचेही मी आभार मानते आणि आमच्या या कलाकारांचं कायम कुठे ना कुठे वेळेअभावी नाही पण 10 मिनटं जरी आम्हाला मिळाली तरी हे कार्यक्रम खूप आवडीचा कार्यक्रम इथं ठेवलाय। जांभोरी मैदानच्या आसपासचे जे सर्व रहिवासी आहेत पाणी भरून झालं असेल तर थोडं मैदानात या अतिशय चांगला सोहळा हा आपल्या ह्या मैदानात होतोय आणि त्याचे साक्षीदार आपण म्हणजे साक्षीकार होऊया कारण ज्यांनी इतिहास जगवलाय आणि इतिहास लोकांसमोर आणताय असे पुण्याचे एवढ्या लांबून आपल्याकडे आलेले आहेत तर अशा वेळेला नरके साहेब आलेले अशा वेळेला भरगच्च लोकांचा जर प्रतिसाद मिळाला तर खऱ्या अर्थाने ती पोचपावती होईल आणि निश्चित आमची लोक आता थोड्या थोड्या वेळाने खाली। पुन्हा एकदा महात्मा पिक्चर हा जी 4 काय 5 लँग्वेजमध्ये होणार आहे त्या सर्वांना मी मुंबईच्या वतीनं सदिच्छा शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपते। जय हिंद जय महाराष्ट्र।
क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, और थोड़ा सा बताइए कि कितने अटैच है स्पेशली इस सब्जेक्ट से? आज का दिन है वो महिला मुक्ति दिन है, और उसी दिन में आज महात्मा पिक्चर का अनावरण ये हमारे वर्ली में जांबोरी मैदान में हो रहा है, उसकी खुशी हमें बहुत। एक तो अपने पूरे देश में महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे कहा जाता है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी कहानी जब भी लोग पिक्चर में देख लेंगे तभी उनको एहसास होगा कि कितना त्याग करके उन्होंने समाज का निर्मित की है। जो खुद की पत्नी अपने हस्बैंड के साथ रह के सीखती है और वो समाज को सिखाने के जाने जाती है, तभी समाज उसको क्या क्या करते हैं वो सब ये पिक्चर में दिखाई जाएगा। और उन्होंने एक हिंदू संस्कृति, एक हमारी भारत संस्कृति ये पिक्चर में बहुत हिट होगी। जो हस्बैंड हमारा काम कर रहे हैं ये काम करने का, पति का काम और आगे लेके जाने का, जो हम मराठी में या हिंदी में भी बोलते पति के जो अर्धांगी है वो तो पूर्णांगी हो गई, उन्होंने अर्धांगी नहीं वो पूर्णांगी है, उन्होंने पूरा अपना जीवन पति के साथ समाज के लिए समर्पित किया। वो जब ही लोग देखेंगे तो उसका अवर्णे जो बोलते हैं इतिहास दोहराना, तो हमारे साहब है इतिहासकार पुणे में अमेरिकर नरके साहब हरी नरके, उन्होंने जो अभी इनके साथ रह के वो जो स्टडी करके एक भूमिका हर पिक्चर में जो होता है वैसा दिखाने का कोशिश किया है। मुझे लगता है कौशिक जो हमारे बेटे जैसा है, हमारा ध्रुव तो मेरा बेटा ही है, और इतना अच्छा कलाकार आपको मिला है, आप उसके लिए वो आपके लिए बहुत ही लकी है। और मुझे पक्की खतरी है, अभी मुझे पक्का लग रहा है कि ये पिक्चर जितने लैंग्वेज में निकलेगा उतने लैंग्वेज के लोग उसको माथे पे लेके घूमेंगे, ये मैं कहती हूँ। थैंक यू। हाँ तो मराठी में बना रहे हम, बहुत इंस्पायर करेंगे वुमेन्स को, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है तो पिक्चर बहुत डेप्थ सब्जेक्ट है, इसको हम अच्छी तरीके से बनाएंगे। तो मैम का जिस तरह से आशीर्वाद मिला है, क्या लगता है कि मतलब पूरी तरह से हिट होने वाली है? जब माँ आशीर्वाद देती है बेटी का तो सक्सेस होगा ना, वही फीलिंग आ रही है हमको भी। तो फिल्म के लिए क्या क्या तैयारियाँ की है आपने अपने तरफ से, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि बहुत अच्छे सितारे भी हैं आपके पास, तो कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्या प्लान है, क्या तैयारियाँ की? इसका तो रिसर्च बहुत हुआ है, एक डेढ़ साल से रिसर्च हो रहा है, और भी होगा, और अच्छी टेक्नीशियंस भी बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस है, और इंटरनेशनल टेक्नीशियंस भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो अच्छा टीम है, फर्स्ट टीम वर्क है, बहुत अच्छा टीम मिला है हमको, तो इसको सक्सेस करेंगे हम। तो मैम थ्रू आउट आप फिल्म को सपोर्ट करने वाली ऐसा कह सकते हैं हम? हाँ, मराठी में पिक्चर आएगी तो मैंने तो बता दिया है ध्रुव को कि पहली पिक्चर हम लेंगे, और हमारे जो शाखे के जो सैनिक हैं सब है उनको दिखाने का मैं पहला कोशिश करेंगे। मैं प्रोड्यूसर हूँ, निर्माता हूँ। हाँ, बहुत ही एपिक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी भारत में। अगर सावित्री बाई फुले नहीं होते तो शायद कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, शायद मैं आज यहाँ ना खड़ी होती, या बहुत सारी लड़कियाँ नहीं होती। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है, और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल्स किए, जिस तरह से उन्होंने एक कमज़ोर पिछड़े वर्ग में होकर फिर एक कीर्तिमान स्थापित किए, इतनी सारी किताबें उस समय में उन्होंने वो समस्याएं बताई जो आज तक वैलिड है, तो एक बहुत ही अच्छा नज़रिया। और दूसरी बात एक और है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो कीर्ति होनी चाहिए जिस तरह से उतनी नहीं है, देश के हर कोने कोने में लोग नहीं जानते हैं, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश तक नहीं बल्कि बाहर देश तक भी उनकी कीर्ति पहुंचे। वो
मतलब उन्होंने क्या किया शिक्षा के लिए, किस तरह से शिक्षा के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए, सब लोगों के लिए उन्होंने जितना योगदान दिया वो सब तक पहुँचे। तो उनके किरदार में कौन कौन नजर आने वाले? ध्रुवा करुणाकर उनके किरदार में नजर आएंगे। उन्होंने अभी एक साउथ की फिल्म अश्वमेधम की है जो हमारे साथ है, वो भी सुपर हिट रही, तो वही उसके किरदार में नजर आएंगे। प्राध्यापक हरी नरके साहेब, आमचे मित्र सन्माननीय नगरसेवक अभि भोसले, या चित्रपटाच्या निर्मात्या ऐश्वर्या यादव, त्यांच्या सर्व टीमचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो। कौशिक रेड्डी यांचे मी या ठिकाणी वर्गीकरांच्या वतीने स्वागत करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे ध्रुवा करुणाकर मला याचा अभिमान वाटतो, आज ते महात्मांच्या रोलमध्ये आमच्या सोबत उभे आहेत। केवळ पुस्तकामध्ये आम्ही ज्यांचा इतिहास वाचला होता किंवा हरी नरके साहेबांसारखे इतिहासकार यांच्या शब्दातनं कधीतरी हा इतिहास आम्हाला ऐकायला मिळत होता, साक्षात आज तो चित्रपटाच्या माध्यमातून आमच्या समोर येणार आहे आणि देशाच्या भावी पिढीला महात्मांचं समाजकार्य, महात्मांचा समाजकार्यातील त्याग, सावित्रीबाईंचा समाजकार्यातील त्याग हा या चित्रपटाच्या माध्यमातून एक आदर्श असं मार्गदर्शन ठरणार आहे। त्यामुळे समस्त वर्गीकरांच्या वतीने या ठिकाणी या संपूर्ण टीमला मी मनापासून धन्यवाद देतो, ध्रुवा करुणाकरनलाही मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे महात्मांच्या रोलमध्ये उभे आहेत, त्याच्यामुळे ध्रुवा बोलतानाही मला या ठिकाणी मोमेंट फॉर अस अँड आवर वर्ली एरिया वेलकम यू मॅडम। ऐश्वर्या मॅडम प्लीज प्रेझेंट द बुक अँड मोमेंट टू ॲलिसन रिचर्ड्स। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग हियर। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री कौशिक रेड्डी जी और फिल्म के प्रोड्यूसर ऐश्वर्या यादव, एक्स एमएलए श्री सुनील शिंदे साहब को मोमेंटो तथा पुष्प प्रदान करती हुई मैडम निशिकांत उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ऐश्वर्या यादव जी और कौशिक रेड्डी जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर लोग, यानंतर तो क्षण आलेला आहे ज्याची आपण आतुरतेने वाट पाहत आहात आणि तो क्षण म्हणजे लॉन्चिंग। महेश्वरराव शॉल वी स्टार्ट? Not already, sir. Okay, 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 sir.